हेलो गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल को फुल रीसेट कैसे कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, जैसे कि पोको, रेडमी, वीवो, सैमसंग, एमआई, मतलब कि आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, आप लोग उस फ़ोन को फुल रीसेट कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीका से, वो भी बिना किसी ऐप के। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बिना स्किप किए, तभी आप लोग अपने मोबाइल को फुल रीसेट कर सकते हो। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। चलो बिना टाइम पास की वीडियो को स्टार्ट कर दें। अपने मोबाइल को फुल रीसेट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को सेटिंग में एक फैक्ट्री सेटिंग देखना है। ठीक है, और अगर आप लोगों के मोबाइल में फैक्ट्री सेटिंग्स नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को फैक्ट्री रीसेट को देखने के लिए दो तरीके दिखाने वाला हूँ। तो पहला तरीका तो यह है कि आप लोगों को अपने मोबाइल के अबाउट फोन में चले जाना है, और अबाउट फोन में जाने के बाद आप लोगों को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप लोगों को नीचे की ओर फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये तो हमारा पहला तरीका था फैक्ट्री रीसेट को देखने का। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए बैक जाना है आपको, और बैक जाने के बाद आप लोगों को सेटिंग्स के सर्च बार में चले जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, आप लोग जैसे फैक्ट्री रीसेट सर्च करोगे आप लोगों के सामने एक फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने छह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग अपने मोबाइल को जब फुल रीसेट करोगे तो आप लोगों के मोबाइल से क्या क्या चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अपने मोबाइल को फुल रीसेट करोगे तो आप लोगों के मोबाइल से क्या क्या चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पर हमारा दिया गया है अकाउंट्स, यानी कि अगर आप लोग अपने मोबाइल को फुल रीसेट करते हो तो सबसे पहले तो आपका अकाउंट्स डिलीट हो जाएगा, जो भी आप लोगों ने अपने मोबाइल में अकाउंट बनाया। ठीक है, और दूसरा नंबर वाला ऑप्शन है हमारा कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आप लोगों के मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, जो भी आप लोगों ने नंबर को सेव किया है, वे सब चीज़ जो है हट जाएंगी। ठीक है, और तीसरा नंबर ऑप्शन है हमारा फ़ोटो एंड वीडियोज, यानी कि आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोटो या फिर वीडियो हैं वो सब हट जाएंगे। और चौथा नंबर वाला ऑप्शन है हमारा ऐप्स, यानी कि आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं, आप लोगों ने जो भी ऐप को डाउनलोड किया है वो सब ऐप जो है परमानेंटली मतलब कि डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, और पाँचवा नंबर वाला ऑप्शन है हमारा बैकअप्स, यानी कि आप लोगों ने अपने मोबाइल में जितने भी बैकअप्स बनाए हैं, जैसे कि फ़ोटो का बैकअप्स, वीडियो का बैकअप्स, तो वो सब जो है हट जाएंगे। ठीक है, और छठा नंबर वाला हमारा ऑप्शन है अदर आइटम्स ऑन द डिवाइस, यानी कि आपके मोबाइल में जितने भी सेटिंग्स दिए जाते हैं, मतलब कि पहले से जो भी आप लोगों ने अपने मोबाइल में सेटिंग्स को इनेबल किए हैं, वो सब सेटिंग्स जो है हट जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग अपने मोबाइल को जब फुल रीसेट करोगे तो आप लोगों का मोबाइल जो है ना पूरा, मतलब कि जैसे आप लोग नया में मोबाइल को ख़रीदते हो और आप लोग उस मोबाइल को ओपन करते हो, तो वैसा ही आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। तो फिर आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप लोगों को इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कर देना है, और फिर आप लोगों का मोबाइल जो है फुल रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप लोग इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का मोबाइल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाएगा, क्योंकि अपडेट होने में मतलब कि उसका सेटिंग्स वगैरह कुछ डिलीट करने में
कुछ टाइम लग जाता है, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। और फिर आप लोग को मतलब कि फिर से सब चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा और नंबर वगैरह सबका, मतलब कि जो जो चीज़ डिलीट हुआ है ना फिर से आप लोग को लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल को फुल रीसेट कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई सा फ़ोन हो, ठीक है, वो भी बिना किसी ऐप के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।